साड़ी बदले मिल जाए ना, उसको सड़क पे नंगा ना किया ना, तो मारा नाम भी करण सिंह। छोरी की गलती से इसने छोड़ी क्या कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर। बाबूलाल जी, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको जरा से भी एहसास है कि कोई जब आपको आपके बिना मर्जी के यहाँ वहाँ हाथ लगाए तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरा आत्मा सम्मान तुम्हारे जमीन की तरह करोड़ों पर ठोकर मार दी तुमने, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मैंने एक छोटी सी बात मान लेवेगा परसों कल एसपी। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। आपने अपने पोते को लाल प्यार से बिगाड़ दिया है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। बस एक बार साड़ी मदद। मैं इस गांव का सरपंच हूँ सूरज प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर, खुश कर दूंगा तुझे, इन तीनों को छोड़। और मेरे हिसाब से ये एक ओपन एंड शट की अदालत का कीमती वक्त जाया करने और नारी सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलाया जाए। झूठ है जज साहब, अखबारों की सुर्खियां ये चीख चीख कर बयान कर रही है जज साहब कि कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के समाज के लिए बदनुमा दाग है। कल की आई छोकरी तने पटकनी दे गई। देख सुन ले, मेरे पोते को और उसके साथियों को जमानत दिला। कुछ भी कर, कोई रास्ता निकाल। बस आप पुलिस को काबू में करो ताकि फैसला हमारे हक में आए। अगर मालती अपने बयान से मुकर जाती है तो ये केस एक ही पेशी में खारिज हो सकता है। मैंने मेरी बच्चियों को जिंदगी में किसी भी मुसीबत से भागना नहीं सिखाया है, हमेशा डटकर उनका सामना करना सिखाया है। तुम्हें तो अपने पंखों के बल को आजमाना है, बहुत ऊंची उड़ान लगानी है तुम्हें। तुम और तुम्हारा वो प्रोड्यूसर भगत चौधरी दोनों पिंप हो, यानी कि हमारी हरियाणा की भाषा में दल्ले हो। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो अदालत में होगी। कैसे बचाएगा करण को तू हमारे कुलदीपक को? एक रास्ता है, और ये भी एक धर्म युद्ध ही है। ये युद्ध है नारी के सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। पुरुषों की सत्ता प्रिय सोच के खिलाफ। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस मारी छोरिया मारा स्वाभिमान से। करोड़ों पर ठोकर मार दी तुमने, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। ओ जी मारी छोरिया मारा स्वाभिमान। इसमें छोरी की क्या गलती से इसने छोड़ी क्या कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर। बाबूलाल जी, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको जरा से भी एहसास है कि कोई जब आपको आपके बिना मर्जी के यहाँ वहाँ हाथ लगाए तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरा आत्मा सम्मान तुम्हारे जमीर की तरह बाजारों नहीं है। मेन तो नारी महिला प्रधान फिल्म है और मैं समझता हूँ कि जैसे आज के दिन बेटियों को हमारे देश में या बलात्कार की घटनाएं जो हो रही हैं बेटियों के साथ, उसको उजागर करती है कि कहीं ना कहीं समाज में अगर हम पुरुष लोग अगर बेटियों की इज्जत करें, बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को आज़ादी दें और उनको अच्छी सोच की तरफ ले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होंगी।
मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र से हूँ, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, गीता कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, वहाँ से हूँ। हमारी फिल्म में भी यही है, बताने को मैं सारी स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन कुछ हद तक सस्पेंस है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक थिएटर में देखे, और जो विजन जो मिशन हम लेके आए हैं कि आज की डेट में बेटियों को कोक में मत मारिए, आप बेटियों को कूड़े के ढेर में मत छोड़िए, बेटियों की इज्जत आप करेंगे तो आगे आने वाले समय में कहीं आपको फिर ये ना हो कि सरकार ये नारा दे कि बेटा बचाओ बेटी बचाओ। आपने अपने पोते को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। बस एक बार साड़ी मन ने मिल जाए ना, उसको सड़क पे नंगा ना किया ना, तो मारा नाम भी करण सिंह नहीं। छेती छेती हमारी फिल्म में स्टार कम स्टोरी ज़्यादा है, लोग स्टार को लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार नहीं चल पाती, अगर कहानी मजबूत होगी तो फिल्म मजबूत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने स्टोरी लिखी थी तो स्टोरी में ये था कि ये महिला बिल्कुल फिट बैठती हैं, और जो उन्होंने अब तक महिला जितने अवार्ड उनको मिले हैं आज तक, मेरे हिसाब से 37 उनको अवार्ड मिले, और मदर के रोल में वो फिट बैठती थी। मैंने मुंबई में 12 दिन मुंबई में शूट किया है, और हरियाणा में 19 दिन शूट किया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और ये पेवा जो डिस्ट्रिक्ट है, सारा हमने किया। हरियाणा में कोई सब्सिडी नहीं है, हम सरकार से डिमांड जरूर करेंगे कि अगर जैसे दंगल जैसी फिल्में या बड़ी बड़ी फिल्में में सभी जगह हरियाणा को भुनाया जाता है, हरियाणवी भाषा को कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है, या उसके फुहाड़े चुटकले कह लो कुछ भी कह लो, तो ऐसा सरकार को चाहिए कि अगर वहाँ पे सब्सिडी लागू हो जाए। हालांकि सुनने में यह है कि हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं CM, वो सब्सिडी करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, झज्जर में एक फिल्म सिटी भी बनना जा रहा है, बट जब तक सरकार की कोई प्लानिंग नहीं आती कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने रिस्क इसलिए उठाया, बहन मेरी सोच ये है कि मेरी दो बेटियां हैं, मेरा विजन, मेरी सोच, मेरी बेटियां हैं, बेटियों ने मुझे प्रेरित किया कि आप फिल्म बनाओ, और मैं बेटियों को और फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म बनाता रहूँगा। पंख तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उसकी उड़ान चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको आगे निकलना हो। लीड में डॉक्टर निशिकांत अवार्ड है, जो समाज से, पति से, अपने ससुर से लड़ जाती है, और दूसरी तीन बेटियां हैं जो माँ से प्रेरित होके तीनों अपने अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुँचती है। बड़ी बेटी जो है वो पत्रकार है, जो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में तो ख़ासतौर पर हमारी महिलाएँ कम हैं जो जर्नलिस्ट बनती हैं। दूसरी जो बेटी है वो वकील है, एडवोकेट बनती है। तीसरी जो है हीरोइन बनती है, हीरोइन बनने के लिए सपने देखती है, वो आती है मुंबई में। नहीं, मेरी भी कोई बेटी फिल्म में नहीं आई। हाँ, मेरी बेटी अगर फिल्म में है तो एक वो है तुम ममता का आंचल हो, वो प्रेरणा है मेरी, वो हीरोइन नहीं है। पोस्टर में मुझे शौक नहीं है, मुझे एक शौक था कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है और मीडिया के लिए बनानी है। मैं वो ऐसा है, एक प्रोड्यूसर जब आता है तो बैग लेके आता है, और बॉम्बे में आके वो खाली हो जाता है। वो बैग खाली होता नहीं है, भरा होता है, लेकिन जब वो जाता है खाली हो जाता है। अब भरने के लिए जनता आएगी, देखेगी, तब जाके दूसरी तीसरी फिल्म। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा। कि इस
विषय को लेकर जिस फिल्म का निर्माण हमारे यश बाबू ने किया है, जिसका नाम पंख है, मैं दोहराती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि इसी मंच पे हम एक दूसरे से वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी और अभिमान इस बात का है कि एक अच्छी फिल्म आज दर्शकों के सामने आने वाली है एक अलग अंदाज में। आज हमारा ऑडियो रिलीज है और ट्रेलर लॉन्च है, लेकिन जल्द ही लोग इसे देख पाएंगे और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें। मतलब जैसे आपने देखा होगा पीछे, म्हारी छोरिया म्हारा स्वाभिमान स। बात यह है कि आजकल हम सब ये बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं जानते मानते, लेकिन फिर भी ये हकीकत है कि आज भी हमारे देहातों में, गांवों में, या जहाँ पर ज़्यादातर सोशल मीडिया नहीं पहुँचा है या तरक्की नहीं पहुँची है, बेटी और बेटों में फ़र्क किया जाता है। जी ज़रूर, मैंने बहुत एंजॉय किया, और जैसे मेरे किरदार के बारे में अगर बताना है तो इन बेटियों की माँ का किरदार है, जिसने इन नन्ही सी बच्चियों को पहले तो अपने पंख के अंदर लिया था ताकि धूप छाँव से वो उन्हें बचा सके, और फिर वो छोरियाँ इतनी सबल हो गई, सबला हो गई कि उन्होंने अपने पंखों का बल आजमाया और आसमान में उड़ान लगाकर जहाँ जीत लिया। इसके अलावा आगे भी वो इस तरह से अच्छा काम करते रहे। मोदी जी की जो पहल थी उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रण लिया है यश बाबू एंटरटेनमेंट और यश बाबू परिवार ने इसको आगे बढ़ाने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इनकी कोशिश इस तरह कायम रहे और दिन रात इनको भगवान ईश्वर शक्ति और सब। कैरेक्टर कर रहा हूँ एज अ लीड। बेसिकली ये फिल्म बेस्ड है दो स्टोरी जो मिला के आजकल सोसाइटी में आपने देखा होगा कि दो सब्जेक्ट चले हुए हैं। जैसे एक तो मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बढ़ाओ, तो वो सब्जेक्ट को हमने मिलाया, और एक और सब्जेक्ट जो आजकल सोसाइटी में बहुत बड़ी सी चीज़ बन चुका है लाइक गैंगरेप, राइट। तो हमने इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया और उसी के बेस पे ये फिल्म है। और आई एम द लीड गाय इन दिस मूवी। इस फिल्म में मैं करण का किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही पैसे वाले घर का लड़का है, और मतलब वो जो भी करता है हर चीज़ में उसे अपने दादाजी और पिताजी का सपोर्ट रहता है। तो मतलब वो जो कुछ भी करता है, शैतानियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो हर चीज़ में उसे उसके पेरेंट्स का और ग्रैंडफादर का सपोर्ट मिलता है कि बहुत लाडला है, और दादाजी बोलते नहीं ये जो कर रहा है सही है उसका ये कर ले। हमारी छोरिया हमारा स्वाभिमान छे, जैसे अमीर खान साहब का डाला तो हमारी छोरी क्या छोरों से कुछ कम एक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बनी है फिल्म, और अभी तो टीजर देखने के बाद मालूम पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी साहब ने नारा उठाया था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कुछ अच्छा करना चाहिए, तो हिसाब से जो भी हो रहा है मालिक करे अच्छा हो जाए, और एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे फिर हमारी फिल्मी दुनिया हो चाहे कुछ भी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है इंडस्ट्री में क्या हमारे हिंदुस्तान में कि लेडीज़ को रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार दो, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, उनकी वजह से हमारी पहचान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और मेरे परम मित्र यश बाबू जी को जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और संजय काकरन को तह दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कामनाएँ मेरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस फिल्म के शुरुआत में मेरा कहीं ना कहीं कोई हिस्सा रहा, मैं कहीं ना कहीं कोई हिस्सा रह चुकी हूँ। इस फिल्म में मैंने काम नहीं किया है, बट इस फिल्म के इर्द गिर्द में हमेशा रह चुकी हूँ। टाइटल के बारे में क्या है, मारी छोरिया मारा स्वाभिमान? जी ऐसा है, मारी छोरिया जो है ना मारा स्वाभिमान है, और ये बहुत गर्व की बात है, सिर्फ माओं को और पिताजियों को नहीं हिंदुस्तान के हर आदमी को ये कहना चाहिए। लड़की एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप है, और अगर उसको आप सपोर्ट करोगे, उसके साथ रहोगे, उसको पूजोगे, तो तरक्की को आपकी तरक्की। एक मिनट, और सोशल भी है, पब्लिक को मैसेज जाएगा। आज जैसे हिंदुस्तान में जो मेल फीमेल का जो अंतर हो रहा है उसके लिए खास मैसेज है। ऑलरेडी फिल्म की बहुत हवा चल रही है, आप पीआर कर रहे हैं फिल्म के लिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारी कंपनी है इम्पैक्ट वन, जो कि हम हमारी कंपनी पीआर और मार्केटिंग हमारी कंपनी कर रही है, और ये पूरे हम पूरे इंडिया में इसको रिलीज़ करेंगे 600 थिएटर में।
और इसको हरियाणा में स्कूलों में दिखाया जाएगा एक प्रमोशन के लिए, एक मैसेज देने के लिए, जैसे और फिल्में दिखाई जा रही है, जैसे अक्षय कुमार की फिल्में दिखाई जा रही हैं? नहीं, इसको इसका प्रमोशन का एक बहुत बड़ा फंडा है, स्कूल में, कॉलेज में, और वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है, और सोशल एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, उसके माध्यम से भी इसको प्रमोट किया जाता है। बहुत ही ज्यादा अवेटेड मोमेंट है ये, बहुत टाइम से इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। So this movie is produced by Rajendra Verma, which is known as Mr. Yash Babu, directed by Mr. Prem Raj and Rajendra Verma, story by Mr. Rajendra Verma, screenplay, dialogue, Krishnan Manav, cinematographer, Mr. Ajay Arya, Kiran Verma, Mr. Sunil Kumar and Mr. Gulshan Kumar. So guys, a huge round of applause for this team. लाइट कम पड़ रहा है, एक मिनट वेट पवन भाई पीछे आ जाओ। हाँ पीछे हूँ भाई। आवर कास्ट इंक्लूड्स डॉक्टर निशिगंधा वार्ड, मिस्टर सुधीर पाल, मिस्टर प्रेम राज, आयुष शाह, राहुल चौधरी, राहुल जेटली, सुनील कुमार, राजेंद्र वर्मा, गुलशन खुराना, आशीष प्रजापति, आकाश शर्मा, गौतम सिद्धार्थ एंड मिस्टर देवराज। हरियाणा जो क्षेत्र है, ये जो कहानी है हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इससे पहले मैं मूवी के बारे में कुछ और बताऊं। रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ पर आ जाए तो मजा आ जाए। लारू प्यार से बिगाड़ दिया है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। बस एक बार साड़ी मतलब मिल जाए ना, उसको सड़क पे नंगा ना किया ना, तो मारा नाम भी करण सिंह नहीं। छेती छेती कर मार दी तुमने, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। पर एक छोटी सी बात मान लेवेगा तो कल डीएसपी और परसों एसपी। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। आपने अपने पोते को लाल प्यार से बिगाड़ दिया है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। बस एक बार साड़ी मत। मैं इस गांव का सरपंच हूँ सूरज प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर खुश कर दूंगा तुझे, इन तीनों को छोड़। मेरे हिसाब से ये एक ओपन एंड शट की अदालत का कीमती वक्त जाया करने और नारी सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलाया जाए। ये झूठ है जज साहब, अखबारों की सुर्खियाँ ये चीख चीख कर बयां कर रही है जज साहब कि कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के समाज के लिए बदनुमा दाग है। कल की आई छोकरी तने पटकनी दे गई, देख सुन ले मेरे पोते को और उसके साथियों को जमानत दिला। कुछ भी कर, कोई रास्ता निकाल। बस आप पुलिस को काबू में करो ताकि फैसला हमारे हक में आए। अगर मालती अपने बयान से मुकर जाती है तो ये केस एक ही पेशी में खारिज हो सकता है।
मैंने मेरी बच्चियों को जिंदगी में किसी भी मुसीबत से भागना नहीं सिखाया है, हमेशा डटकर उनका सामना करना सिखाया है। तुम्हें तो अपने पंखों के बल को आजमाना है, बहुत ऊंची उड़ान लगानी है तुम्हें। तुम और तुम्हारा वो प्रोड्यूसर भगत चौधरी दोनों पिंप हो, यानी कि हमारी हरियाणा की भाषा में दल्ले हो। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो अदालत में होगी। कैसे बचाएगा करण को तू हमारे कुलदीपक को? एक रास्ता है, सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। ये लड़ाई है पुरुषों की सत्ता प्रिय सोच के खिलाफ। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। एक मिनट सर, बस चलो सर, एक मिनट बाबा। प्लीज वेलकम बोथ ऑफ देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। अब हम लॉन्च करने वाले हैं द म्यूजिक, और ये लॉन्च के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे दोनों स्पेशल गेस्ट को, हमारे राम बाबू जी को। प्लीज यहाँ पर आ जाइए। पंख नहीं हो गई तो पंछी उड़ नहीं सकता है, पंख नहीं हो गए तो पंछी उड़ नहीं सकता है, और हाथ नहीं हो गए तो आदमी लड़ नहीं सकता है। तो जो पंख ये जो फिल्म बनाई जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का एक मिशन है, और भारत के तमाम बेटियों को बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए और उनको बचाने के लिए मतलब हमारा मिशन काम कर रहा है। और जो यहाँ के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सभी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस है, तो उन्होंने मतलब एक बहुत ही अच्छे विषय पर ये फिल्म निकाली है। और मैं मतलब मेरे तरफ से, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राज्य मंत्री के नाते, मैं सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कलाकारों को हार्दिक बधाई देता हूं। और ये फिल्म मतलब एक अच्छे विषय पर है, एक सामाजिक विषय को लेकर ये फिल्म बनाई है। और जब ये फिल्म अभी रिलीज होगी तब मैं सभी भारत के तमाम लोगों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी फिल्म है और आप सब लोग मतलब इस फिल्म को देख कर मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को आगे बढ़ाना है, और बेटियों को मतलब संघर्ष करने की शक्ति दे देनी चाहिए। जो पुरुष लोग हैं उन्होंने भी मतलब अत्याचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी बहन होती है माँ होती है उसी तरह मतलब सभी बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने मतलब हिंदू कोड बिल जो था ये भारत के तमाम महिलाओं को न्याय देने का ये हिंदू कोड बिल था, लेकिन तब पार्लियामेंट में इस बिल को पास नहीं किया, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए मतलब मैं सभी जो जिन्होंने मतलब इस फिल्म को बनाया है, नाम बताओ, राजेंद्र वर्मा प्रेमराज और जो सभी और जो पूरी टीम है, तो इनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आपने बहुत ही अच्छे विषय पर ये फिल्म निकाली है, आपका आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ओके अटल जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह अभी सोशल मुद्दों को लेकर फिल्में बन रही हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो चाहे वो आमिर खान साहब हो, दंगल बनाते हैं, टॉयलेट प्रेम कथा बनाते हैं, सोशल मुद्दों को कहीं उजागर करा जा रहा है, और आपकी केंद्र सरकार ने चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा फिल्मों को टैक्स फ्री किया है, क्या पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं? मतलब नहीं जरूर, अगर मतलब ये टैक्स फ्री करने के लिए अगर उसी तरह का प्रस्ताव अगर इस फिल्म का आएगा तो जरूर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। और जिस तरह इसके पहले बहुत सालों के पहले आर्टिस्टिक फिल्में निकलती थी, अंकुर थी, निशान थी, ऐसी कई फिल्में समाज को दिशा देने वाली फिल्में थी,
और फिल्म में तो मतलब कर्म होनी चाहिए, गाना भी होना चाहिए, लेकिन उसमें एक विषय ऐसा होना चाहिए कि भाई समाज में एकता पैदा हो, समाज में जातीय व्यवस्था जो उसको नष्ट करना चाहिए, या अलग अलग सामाजिक विषय पर, जिस तरह ये फिल्म जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के विषय पर अगर ये फिल्म निकली है तो जरूर मैं भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जरूर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की कोशिश मैं करूँगा। अटल जी का आखिरी सवाल है, जो अमित शाह के ऊपर आया है 50,000 से उनकी बेटी के ऊपर जो आरोप लगे उस पर आपका क्या टेक है? जो आरोप लगाने वाले तो 80,000 करोड़ का वो टर्नओवर आया है, तो आप क्या मानते हैं इस तरह? मुझे लगता है कि कोई इसमें तथ्यता नहीं है, इसकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी होने दो, लेकिन अमित शाह जी के बेटे कोई करप्शन करने वाले तो नहीं है, और जिस तरह ये कांग्रेस वालों के पास कोई विषय तो नहीं है, इसलिए जानबूझकर मतलब गुजरात के इलेक्शन को सामने रखकर यहाँ मतलब अमित शाह के बेटे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी तो अमित शाह जी ने बोला कि इसकी इंक्वायरी होनी तो, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। सर गुजरात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के जो कुरेशी जी का उनका एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में कि काउंटिंग इलेक्शन की डेट घोषणा नहीं की गई है, तो आप क्या मानते हैं? लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर काउंटिंग की डेट अगर बाद में अनाउंस करने का तय हुआ होगा तो उनको पूरा अधिकार है, और वो अलग बॉडी है, उसमें कोई गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, और अगर इलेक्शन की डेट होने इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन उसकी डेट अनाउंस करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रेमराज है, मैंने इस फिल्म को एडिट और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है बेटियों के ऊपर आधारित है। जब मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस टाइम हम लोगों के दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों न हम भी इस फिल्म का एक इस आंदोलन का एक हिस्सा बनाएं। तो हमने एक कहानी बनाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई। हम इस फिल्म से सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग बेटियों में और बेटों में फ़र्क करते हैं, ये फिल्म उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि बेटी और बेटे बराबर होते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि बेटियों के लिए कुछ नहीं है, बेटों के लिए सब कुछ है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा फिल्म की कहानी के बारे में जानना चाहूँगा कि कोई सच्ची कहानी को लेकर है, सच्ची घटना को लेकर है, कुछ बताना चाहेंगे? ना वही मैंने बताया, ये फिल्म जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है। कहानी जब जो लोगों की जैसे अब ये हरियाणा बैकग्राउंड है, ये फिल्म हरियाणा बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जब बेटियाँ होती हैं पैदा होती हैं तो उनको भ्रूण हत्या की जाती है, पेट में मार दिया जाता है। लेकिन इससे हम लोगों ने सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की है कि बेटियाँ और बेटों में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले मेरे बारे में कुछ कह दूँ। मैं मेहुल बुच, मैं गुजराती थिएटर से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में शायद जब से डेली सोप्स की शुरुआत हुई है तब से सीरियलों से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी कुछ सीरियल मेरी चल रही हैं, और फिल्मों की अगर देखें तो मेरे यार की शादी एक हाथ फिलहाल, ऐसी कई कुछ फिल्में मान गए मुगले आज़म, ऐसी कई कुछ हिंदी फिल्में कर चुका हूँ। अब सो मेहुल बुच अगर कुछ है तो वो एक एक्टर है। दूसरी बात, इस फिल्म में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिल्म में वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर किरदार की बात की जाए तो ये फिल्म है, जैसे नाम पर से पता चलता है कि बेटियों के बारे में फिल्म है, और मैं इसमें
सरपंच का रोल अदा कर रहा हूँ जो इन बेटियों का बाप है, लेकिन बात होते हुए भी वो समाज में पुरुष की जो नेगेटिव भूमिका है उसे पोर्ट्रे करता है और आखिर में वो पछताता है। तो अगर आम भाषा में कहा जाए तो कुछ हद तक विलन, जो बाद में एक अच्छा इंसान बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसीलिए मैं करने के लिए राजी हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। मैंने यश चोपड़ा के साथ भी काम किया है, लेकिन जब मेरे पास कभी भी कोई भी प्रपोजल ऐसी आती है कि नए लोग हैं, अब राजेंद्र वर्मा यश बाबू उनकी पहली फिल्म है, प्रेमराज जो डायरेक्टर है वो उन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री में, वो एक बहुत माने हुए एडिटर माने जाते हैं, और जब ऐसे नए लोग जो कुछ फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हो तो वो अपनी जान लगा देते हैं और उसमें हमेशा कुछ न कुछ वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि उसमें कुछ नयापन हो, कोई ताजगी हो, और इसीलिए मैं यश बाबू यानी राजेंद्र वर्मा जी और प्रेमराज जैसा डायरेक्टर काम करने के लिए तैयार हुआ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। दिवाली के लिए कुछ कहना चाहिए? दिवाली आने जा रही है, कुछ काम? दिवाली के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीते और इस दिवाली पर, हम हर दिवाली पर आने वाले नए साल के लिए कुछ तो कुछ नए प्रण लेते हैं, तो बस यही कहें कि बेटी हमारी इज्जत है, उन्हें उतनी इज्जत दें जितनी हम भगवान को दें। कल DSP और परसों SP, तो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है। इस कुछ कुछ में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। आपने अपने पोते को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। बस एक बार साड़ी बदले। मैं इस गांव का सरपंच हूँ सूरज प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर खुश कर दूंगा तुझे, इन तीनों को छोड़। और मेरे हिसाब से ये एक ओपन एंड शट की अदालत का कीमती वक्त जाया करने और नारी सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलाया जाए। ये झूठ है जज साहब, अखबारों की सुर्खियाँ ये चीख चीख कर बयां कर रही है जज साहब की कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के समाज के लिए बदनुमा दाग है। कल की आई छोकरी तने पटकनी दे गई, देख सुन ले मेरे पोते को और उसके साथियों को जमानत दिला। कुछ भी कर, कोई रास्ता निकाल। बस आप पुलिस को काबू में करो ताकि फैसला हमारे हक में आए। अगर मालती अपने बयान से मुकर जाती है तो ये केस एक ही पेशी में खारिज हो सकता है। मैंने मेरी बच्चियों को जिंदगी में किसी भी मुसीबत से भागना नहीं सिखाया है, हमेशा डट कर उनका सामना करना सिखाया है। तुम्हें तो अपने पंखों के बल को आजमाना है, बहुत ऊंची उड़ान लगानी है तुम्हें। तुम और तुम्हारा वो प्रोड्यूसर भगत चौधरी दोनों पिंप हो, यानी कि हमारी हरियाणा की भाषा में दल्ले हो। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो अदालत में होगी। कैसे बचाएगा करण को तू हमारे कुलदीपक को? एक रास्ता है, सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। ये लड़ाई है पुरुषों की सत्ता प्रिय सोच के खिलाफ। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्म युद्ध का आगाज किया है।